नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव और आप सबका स्वागत करता हूं ऑल अबाउट पेट्स में। और आज मैं बात करूंगा एक आइडियल ब्रीडिंग केज का सेटअप कैसा होना चाहिए, मतलब कहां कहां आपको पानी रखना है, कहां दाना रखना है, कितने पर्चेस होने चाहिए और मतलब कितनी डंडियां होनी चाहिए और आपको नेस्टबॉक्स कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है, इस बारे में मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, केज जो लेना है उसकी साइज़ कम से कम होनी चाहिए 20x17x17 का, ठीक है। इससे कम में भी अगर आप लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पर भी ये अच्छे से ब्रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो नेस्ट बॉक्स लेना है वो कम से कम होना चाहिए 8x7x7 इंच का, ठीक है। 8x6x6 इंच का भी चलेगा, लेकिन आपको इतना तो कम से कम रखना ही रखना है। तो अब मैं बात करता हूँ परचेस की। तो देखिए, कम से कम आपको 3 परचेस लगाने ही पड़ेंगे, मतलब 3 तो लगाना ज़रूरी होता है। आप चाहे तो 2 भी लगा सकते हैं या फिर 3 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी 3 लगा रखे हैं और इनकी पोजीशन मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो केज रखेंगे कोशिश करिए वहाँ पे रखेंगे जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, या फिर किसी कॉर्नर में रख दीजिए जहाँ पे किसी के आने जाने के चांसेस बहुत कम हो, जो इनको कोई ज़्यादा छेड़े ना, ठीक है। तो मैंने परचेस लगाए हैं 3, मैं आपको ढंग से दिखाता हूँ। उससे पहले आपको दिख रहा होगा कि परचेस के वहाँ पे मैंने टेप लगा रखा है वाइट कलर का, क्योंकि मैंने तार से इसको बांधा था और मुझे लग रहा था कि इसको चोट वोट लग जाएगी, इसलिए मैंने जहाँ तार से बांधा था वहाँ पे मैंने टेप लगा दिया। तो आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है। अब आते हैं इनके परचेस पे ऊपर। तो परचेस को मैं आपको बताऊँ तो मैंने परचेस जो है, जो नीचे वाला पर्च आपको दिख रहा है उसका और ऊपर वाला जो पर्च दिख रहा है, उन दोनों का डिस्टेंस होगा कम से कम 4.5 से 5 इंच का, ठीक है। फिर आपको राइट साइड में एक जो छोटा सा पर्च दिख रहा होगा वो भी मैंने इसलिए लगा रखा है ताकि वहाँ से जो मेरे बर्ड्स हैं, जो मेरे बजीज हैं, वो नेस्ट बॉक्स के अंदर देख पाएँ। और नीचे वाला भी पर्च मैंने इसलिए लगा रखा है ताकि उसमें से भी वो अच्छे से देख पाएँ नेस्ट बॉक्स को, और उनको जाने में, निकलने में और घुसने में आसानी हो, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे आपको क्या करना है। और जो पानी और दाना है, दाना आपको रखना है पर्चेस के पास, मतलब जहाँ पर डंडी आपने रखी उसके पास रखना है, और पानी जो है पर्चेस से दूर रखना है, मतलब डंडी जहाँ पे रखी है आपने उससे दूर रखना है। क्योंकि अगर डंडी के पास अगर आपने पानी रख रखा है और वहाँ से अगर वो पानी पीते हैं आपके बजीज और वहीं पे बैठ जाते हैं, सपोज़ कीजिए कि रात को वहीं पे बैठ गए, तो उससे इनको ज़ुकाम हो सकता है, ठीक है, और सर्दी भी लग सकती है या फिर फीवर भी इनको हो सकता है। और इन अगर आपका अगर आपकी किस्मत ख़राब हुई तो उससे इनकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात जो मैंने कही है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और देखते रहिए ऑल अबाउट पेट्स। थैंक यू।